अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर चल रही तैयारियों के बीच खबर आई है कि राम जन्मभूमि के पुजारी प्रदीप दास कोरोना पॉजिटिव है। यही नहीं, राम जन्मभूमि की सुरक्षा में लगे 16 पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रदीप दास को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम अगले हफ्ते 5 अगस्त को होना है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की संभावना है। हालांकि कोरोना महामारी के कारण भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए अधिक लोगों को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार राम जन्मभूमि में प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के साथ साथ 4 पुजारी रामलला की सेवा करते हैं। इन्हीं में से एक पुजारी प्रदीप दास की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। माना जा रहा है कि भूमि पूजन कार्यक्रम में कम से कम 200 लोग शामिल होंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार भूमि पूजन का कार्यक्रम भले ही 5 तारीख को है, लेकिन 3 अगस्त से ही अयोध्या में उत्सव शुरू हो जाएंगे। इस दौरान दिवाली जैसा माहौल बनाया जाएगा और प्रशासन की ओर से शहर में लाखों दिए जलाए जाएंगे। गौरतलब है कि एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के पिछले वर्ष 9 नवंबर को फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में भूमि पूजन से पहले तैयारियां जोरों पर है। कई इमारतों पर पीला रंग रोगन किया जा रहा है, जिन पर रामायण के विभिन्न पात्रों की तस्वीरें उकेरी जा रही है। पीएम मोदी साकेत कॉलेज स्थित हेलीपैड में राम जन्मभूमि पहुँचेंगे। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए होने वाली भूमि पूजन समारोह के अवसर पर मंदिर प्रशासन लोगों और श्रद्धालुओं में वितरण के लिए प्रसाद के 1,00,000 से अधिक पैकेट उपलब्ध कराएगा। रामलला की मूर्ति को भूमि पूजन के दिन एक नई पोशाक पहनाई जाएगी। पोशाक में 9 मणि रत्न जड़ित होंगे और इसकी सिलाई यहाँ की जा रही है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।